मैं ये देखा हूँ कि हमारे कंट्री में इतना टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को ढूंढ के निकाल के उन लोगों को गाइड करने का, लोग जो एनआर हम बोलते हैं, इनक्यूबेशन एनआर, वो लोग का लोग उतना नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा डेवलप करना चाहता तो हूँ। सुना आपने, आखिर सबके दिलों पर अपनी धुनों से राज करने वाले म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने क्या कहा? मैं ये देखा हूँ कि हमारे कंट्री में इतना टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को ढूंढ के निकाल के उन लोगों को गाइड करने का, लोग जो एनआर हम बोलते हैं, इनक्यूबेशन एनआर, वो लोग का लोग उतना नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ। बर्फी, बजरंगी भाईजान, दिलवाले और दंगल जैसी बड़ी फिल्मों में सुपरहिट गाने दे चुके सबके चहेते प्रीतम दा ने वादा किया है कि वो नए टैलेंट को गाइड करेंगे और बॉलीवुड में काम देंगे। प्रीतम दा ने इसके साथ म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों पर भी निशाना साध डाला। बहुत खुश हूँ कि सुनिधि तो मेरा बहुत दिन का दोस्त है और बहुत दिन से पहचानता हूँ, और बादशाह के साथ मैं ऐसे काम किया हूँ रैपिंग में, बट उतना क्लोजली काम नहीं किया हूँ, और इधर बादशाह के साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट शो। बहरहाल, यू तो हर रियलिटी शो से पहले हर कोई सिंगर किसी विजेता या टैलेंटेड सिंगर को बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाने या काम दिलाने की बात करता है, मगर हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। अभिजीत सावंत इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर थे। शो जीतने के बावजूद अभिजीत का करियर परवान नहीं चढ़ा। उनके एक दो एल्बम आई जो कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद उन्हें सिर्फ टीवी शो होस्ट करते देखा गया। 2009 में सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा लिटिल चैंप के विनर हेमंत ब्रजवासी अभी तक एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने राइजिंग स्टार 2 जीता है, जहां शो के जज शंकर महादेवन ने इम्प्रेस होकर उन्हें पहला ब्रेक दिया है। अब बात करते हैं सिंगिंग सेंसेशन मोनाली ठाकुर की। मोनाली खुद रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर आ चुकी है। हालांकि मोनाली वो शो नहीं जीत पाई थी, बावजूद इसके उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में मकाम हासिल किया है। यही नहीं, खुद रियलिटी शो से अपने सफर की शुरुआत करने वाली मोनाली ठाकुर आज खुद रियलिटी शो जज भी करती हैं। श्री रामचंद्र को आप कैसे भूल सकते हैं? 2010 में इंडियन आइडल 5 के विनर रह चुके श्री राम साउथ इंडस्ट्री में भले ही अपना नाम कमा रहे हों, लेकिन बॉलीवुड में श्री राम के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो देखा आपने कि आखिर रियलिटी शो विजेता आज कहाँ खड़े हैं? उनसे भी शायद यही वादा किया गया होगा जो आज प्रीतम दा कर रहे हैं। फिर भी देखने लायक होगा कि प्रीतम दा अपना वादा किस हद तक पूरा करते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।